ममता बनर्जी को इस बात की चिंता सता रही है कि आयोग ने 8 चरणों में बंगाल के चुनाव को क्यों बांट दिया। दीदी की माने तो यह साजिश का हिस्सा है, लेकिन अवैध बांग्लादेशियों को वैध बनाने की जो साजिश बंगाल में चल रही है वो देश और लोकतंत्र दोनों के लिए किसी जहर से कम नहीं। कोलकाता के बाद हमारी टीम ने तहकीकात को और आगे बढ़ाया और रुख किया बॉर्डर का, क्योंकि हमें आपको यह बताना था कि आखिर ये खेल होता कैसे है, कौन करता है, क्यों करता है, किसके लिए करता है। और इन्हीं सवालों की तलाश में हमारा अगला पड़ाव था भारत बांग्लादेश बॉर्डर। कोलकाता के दमदम इलाके का सच अपने कैमरे में कैद करने के बाद हमारे अंडरकवर रिपोर्टर उस बॉर्डर की तरफ निकल पड़े जहां से बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं, फिर पूरे बंगाल समेत देश भर में फैल जाते हैं। करीब 2 घंटे का सफर तय करके हमारी टीम भारत बांग्लादेश पर बने पेट्रापोल बॉर्डर पहुंच गई। बॉर्डर के करीब ही बसा है हरिदासपुर गांव। यहां के बारे में हमें पता चला कि कई घुसपैठिए बांग्लादेशी यहां रहते हैं, और जब हमारी टीम खुफिया कैमरे के साथ यहां पहुंची, बातचीत शुरू हुई तो सच सामने आना शुरू हो गया। কত বছর এসছো মোটামুটি এখানে 17 বছর এসছি 17 ইয়ার্স এগো ইয়ে কাছে আছে ওভি ওই তোমরা তো দালাল মারফতি এসছিলে হ্যাঁ দালাল মার কোন কোন সাইড দিয়ে এসছিলে এই বর্ডার দিয়ে ওই সি বর্ডার সে ইয়ে পেট্রাপোল বর্ডার সে দালাল কে কিতনা পয়সা লিয়া থা ফেন্সিং সে তখন কত টাকা মতো নিয়েছিল জনপতি লক্ষপতি কত নিয়েছিল হ্যাঁ 500 করে 17 साल पहले बॉर्डर क्रॉस करने का रेट 500 रुपए था, लेकिन आज क्या रेट चल रहा है इसके लिए ये रिपोर्ट ध्यान से देखिए। हर किरदार को गौर से सुनिए, फिर फैसला कीजिए आपके मुल्क के लिए क्या सही है क्या गलत। बहरहाल घुसपैठिए बांग्लादेशियों का इस्तेमाल सियासत में कैसे होता है, ये सियासी पार्टियों के लिए कितने अहम है, बहुत जल्द वो राज भी सामने आ गया। रूलिंग पार्टी के फेवर में ये वोट करते हैं, रूलिंग पार्टी के इसमें तो कितने दिनों के बाद फिर यहाँ से जाता है वोटिंग के बाद? आज वोट देगा अभी चला जाएगा वो कोई दिन के दिन तो जाता कैसे वैलिड पासपोर्ट इस वजह से ये पासपोर्ट जेन्युइन पासपोर्ट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये दावा कर रहा है कि वैलिड पासपोर्ट के साथ भी बांग्लादेशी भारत आते हैं सिर्फ बंगाल चुनाव में वोट करने के लिए और उसके बाद बिना किसी रोक टोक के चले जाते हैं। विडंबना देखिए, ये पहली बार नहीं होगा, बार बार सालों से ये खेल चल रहा है। आपको बता दें 4100 किलोमीटर लंबे भारत बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर कई दावे हैं। दावा है कि सीमा पर तारबंदी की जा चुकी है, दावा है कि हाईटेक तरीके से पेट्रोलिंग दोनों देश के जवान करते हैं। इन्हीं दावों की पड़ताल के दौरान TV9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर्स के कैमरे में कई किरदार कैद हुए जो चुनाव में बांग्लादेश एंगल का सच बयां करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जगहों के नाम अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। कोलकाता से 90 किलोमीटर दूर है पेट्रापोल बॉर्डर, और इस पेट्रापोल बॉर्डर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है बांग्लादेश का जेसोर जिला। वही जेसोर जहां से हजारों बांग्लादेशी बंगाल में आकर न सिर्फ बस गए हैं बल्कि आधिकारिक वोटर भी बन चुके हैं। बहरहाल हमारी टीम पेट्रापोल बॉर्डर के पास जिस हरदासपुर गांव में थी वहां वोट बैंक की खातिर सैकड़ों बांग्लादेशियों को एक नेक्सस ने कैसे वोटर बना दिया, सुनिए। नाइन साल तो हो गया यहाँ पे आया, तो उधर ओखाने कोथाय छिलो बाड़ी? उधर जसन जिला ओखाने करता ना। अच्छा, ये पेट्रापोल से करीब 40 किलोमीटर से था अंदर था, जसर जसर डिस्ट्रिक्ट में था। तो उधर सदस्य कयजन बाड़ी ते? 10 जन। 10 जनेर मध्य वोटर हो गए एरकम कयजन आछे? একজনও হয়নি, কই ভোটার নেই বানাবে? আচ্ছা কই নি? হিন্দি জানতে হো? না, চেষ্টা করেছো কখনো? চেষ্টা হ্যারিং দিয়েছি। হ্যারিং দিয়েছো? এমনি টাকা পয়সা দিয়ে চেষ্টা করেছো কোথাও? না, তবে জানতে হয়। রুপিয়া নেই ডালা ইসলিয়ে নেই হুয়া। আচ্ছা, রুপিয়া ডালতে তো হো যাত। মতলব সারা খেল পয়সো কা হ্যায়। जेब भरी है और जेब भरी जाएगी तो कोई भी बांग्लादेशी भारतीय वोटर यहां तक कि नागरिक भी बन सकता है। हरिदासपुर गांव में जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो कुछ और चौंकाने वाले राज हमारे सामने आए। राशन कार्ड भी है? किछु है, किछु है। राशन कार्ड भी लोगों का नहीं बना? सिर्फ आधार कार्ड আছে, पैन कार्ड তো রয়েছে। आधार कार्ड কিভাবে হলো? आधार कार्ड আমার, पैन कार्ड, पैन कार्ड। आधार कार्ड कैसे बना? पैन कार्ड ছিল,
बोल रहा है कि जो पैन कार्ड जो है ना, पैन कार्ड हो तो पंचायत जो ऑफिस होता है ना, पंचायत को सर्टिफिकेट देने से पैन कार्ड बन जाते है, और पैन कार्ड से ऊपर आधार कार्ड हो गया है। अभी क्या अभी वो दिया एपिक कार्ड के लिए एप्लीकेशन किया, पूछो कि जब वो बनवाया ना, जब पैन बनवाया तो कुछ इन लोगों से कुछ पैसे से ले थे क्या? तखन क्यों पैसा टाइसा ऑफर दिए छिलो कि पैन ऐसे एमनी रुपया के कोई उसका लेना देना नहीं है वो बनने। सुना आपने, घुसपैठी बांग्लादेशियों को पंचायत से लेटर मिल जाता है और उसी बिना पर कागजात बनने शुरू होते हैं। लेकिन सवाल है, पंचायत बांग्लादेशी के लिए क्यों चिट्ठी लिखती है? मतलब साफ है, इस खेल की सबसे पहली कड़ी पंचायत ऑफिस है, जहां से पंचायत सदस्य अपने लेटर पैड पर लिखकर अगर दे दे तो कोई भी बांग्लादेशी वोटर बनने की कतार में आ जाता है। अब तक आपने ये तो जान लिया कि वोट बैंक का ये खेल कैसे खेला जाता है, अब आपको इसकी जड़ तक लेकर चलते हैं। बांग्लादेशियों से बातचीत के दौरान सियासी साजिश के तार से पर्दा उठा। বলছি আসার সময় কিভাবে এসেছিলে? মানে তোমরা কি হচ্ছে পাসপোর্টে এসেছিলে? পাসপোর্টে এসে থেকে গেছো নাকি ওই দালাল মারফত এসেছিলে? আমি হ্যাঁ দালাল মারফত ইয়াকা করিব 10-15 কিমি বাদ মে ও আংরাইল এক সীমানা হ্যাঁ ওয়া পে ফেন্সিং নেই হ্যাঁ বাস আছে কিতনা পয়সা দিয়ে কত টাকা দিয়ে এসেছিলে সেই সময় কত 1000 রুপিয়া দেখে আছে 9 সাল पीछे एक एक थाउजेंड वन थाउजेंड किसको दिया था? मैंने कादर के दिए छिले दलाल दर के तादर बाड़ी को थाई चेनो जानो। जरा सोचिए, सिर्फ 1000 रुपए के लिए कोई अपने देश से गद्दारी करता है, घुसपैठ कराता है और ये सब कैमरे में कैद है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर अभी पड़ताल कर ही रहे थे कि एक और बांग्लादेशी यहाँ आया और उसने हमें हैरान कर दिया। बोलती तुम अगर वोटर कार्ड हो से भाई नहीं की कागज पत्र से तुम्हारे রেশন কার্ড আছে আধার কার্ড আছে প্যান কার্ড আছে। আচ্ছা রেশন কার্ড কিভাবে হয়েছিল? রেশন কার্ডে সরকারের থেকে হয়েছিল, বাড়িতে গণনা করতে এসেছিল। আচ্ছা সেন্সাস করতে আয়া থা হ্যাঁ উসমে লোগো দিয়ে গিয়েছিল সাত স্লিপ দিয়া হ্যাঁ স্লিপ দিয়ে গিয়েছিল স্লিপ সে ও রেশন কার্ড কে স্লিপ সে ও লোগো জো সেন্সাস করতে वाले लोग आए थे उनको हेल्प से उन लोगों ने রেশন কার্ড इन्होंने बताया সেন্সাস वाले को বাংলাদেশ से মাইগ্রেট হয়ে আয়ে সেন্সাস যারা যারা জনগণনা করতে এসেছিল হ্যাঁ হ্যাঁ তাদেরকে তারা জানতো আপনারা উপর থেকে এসেছে হ্যাঁ পতাকা লাগে। কত বছর এসছো মোটামুটি? এখানে 17 বছর এসছি। 17 ইয়ার্স এগো ইয়ে কাছে আছে ওভি ওই তোমার তো দালাল মারফতি এসছিলে? হ্যাঁ দালাল মার কোন কোন সাইড দিয়ে এসছিলে? এই বর্ডার দিয়ে ওই সি বর্ডার সে পেট্রাপল বর্ডার সে দালাল। अब तक की पड़ताल में ये साफ हो गया कि सैकड़ों की तादाद में पेट्रापोल बॉर्डर के पास घुसपैठिए बांग्लादेशी मौजूद हैं, वो भी पक्के कागजात के साथ। बहरहाल हमारा अगला पड़ाव था उस शख्स तक पहुंचना जो बांग्लादेश का व्यापारी है और उसने बहुत होश उड़ाने वाला दावा किया। इस व्यापारी का दावा है, बनवा के लोग आते हैं वोट डालेंगे, यहाँ पे जितने भी वोटिंग होती है टोटल वोटिंग का, मान लीजिए जितने वोटर हैं, मान लीजिए 95% पोलिंग होता है यहाँ पे, अबव 90 पोलिंग होती है, उसमें से 70% है जेन्युइन, बाकी जो 30% आते हैं टोटल वोटर के, उस टोटल वोटर के 30% में वो वैलिड पासपोर्ट बना के बाई रॉन्ग वे, बाई रॉन्ग मीन्स वैलिड पासपोर्ट बना के आते हैं, वोट डालेंगे फिर चले जाएंगे। उनका वोटर आई डी कार्ड बना हुआ होता है? हाँ इधर यहाँ पे सब कुछ है बना हुआ है सारे को, पूरा बहुत पुराना है 10-15-20 साल का पुराना है। अच्छा, by the means अच्छा, वो मतलब इंडिया का डॉक्यूमेंट भी बना चुके हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है, कोई पासपोर्ट बनवा कर आए वोट डालकर चला जाए, लेकिन दावा तो यही है और इसकी वजह शायद ये है कि सियासी जमीन बचाए रखने के लिए सत्ताधारी दल के नेता कुछ भी कर सकते हैं। ये बातचीत तो कम से कम यही साबित करती है। तो कौन से पार्टी के जाते हो स्पेशली? वो पार्टी का ऐसा पता नहीं है, जो आदमी को मतलब एक तो सॉफ्ट कॉर्नर होता होगा ना कि किसको देना है, अभी तक जो आदमी पावर में आता है वो आदमी समझ लिया जब कौन आदमी का हम वोट, मतलब रूलिंग पार्टी के फेवर में ये वोट करते हैं। अच्छा रूलिंग पार्टी के, इसमें तो रूलिंग पार्टी मदद भी तो करती होगी। इस बांग्लादेशी की बातचीत से तीन बातें साफ थी, बंगाल में चुनाव के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं, वोट डालते हैं, किसी पार्टी का फेवर करते हैं और फिर आसानी से चले जाते हैं। अब इसका असर क्या हो सकता है वो समझिए। पेट्रापोल बॉर्डर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में आता है, यहाँ कुल 33 सीटें हैं, 33 सीटों पर मतदान के लिए 80 लाख मतदाता हैं। 2021 में यहाँ 2 चरणों में मतदान होने हैं। बांग्लादेशी व्यापारी का दावा है कि 80 लाख मतदाताओं में से 30% फर्जी होते हैं।
दावे के आधार पर करीब 24 लाख मतदाता फर्जी हो सकते हैं। हालांकि टीवी 9 भारतवर्ष इस दावे की पुष्टि नहीं करता कि 30% मतदाता बांग्लादेशी या फर्जी हैं। जब से पश्चिम बंगाल में दीदी और मोदी की फाइट टाइट हुई है, बांग्लादेशियों का मुद्दा सबसे ऊपर उछल रहा है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि बंगाल में बांग्लादेशी वोटर बड़ी तादाद में हैं और वो नतीजे बदल सकते हैं। हमारी टीम ने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया तो ऐसा खुलासा हुआ जो हर देशवासी को दंग कर देगा। वोटों के सियासी जाल का पूरा ताना बाना कैसे बुना जाता है वो भी जानिए। जो गांव में जो आदमी है वो गांव का आता है, वो पार्टी का गांव का सरदार होता है, मुखिया होता है। ये गांव में 10 आदमी आएगा, 10 आदमी का रोलिंग पार्टी आदमी को ऐसा काम करेगा, रोलिंग पार्टी आदमी तो मदद नहीं करेगा तो वो वोट किसके देगा? वो जो प्रशासन है ना, तो उसको बता देगा बांग्लादेश का आदमी है। अच्छा, इधर ही गाँव का घूमने की कोई बात नहीं है। जो बेसब जवान है ना, बांग्लादेश में वोट देता है तो ये अंगुल में छक्का मारते हैं, ठीक है। और इंडिया का वोट आता है तो इधर ही छक्का मारते हैं। जो काले इधर ही लगता है ना, वो 2-3 साल पहले, 2-3 साल में CBM का टाइम है, उस टाइम बड़े वोटर थे, कम से कम 5,000 आदमी पकड़ लिए पुलिस है। जब वोट करके ये अंगुल चेक करेगा ना आदमी, दो नंबर काम बिजनेस बंद हो गया वाटर का। अभी तक जो आदमी आता है जाता है, अभी देखो जो अभी हम बॉर्डर में रहते हैं, हम एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो उधर का जो आदमी आता है अभी तक बहुत कम है। इलेक्शन डिक्लेयर होगा ना, तो बॉर्डर में फॉलो करेगा तो देगा कितना आदमी इधर। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नॉर्थ 24 परगना में 17 और 22 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बांग्लादेशी व्यापारी की बात माने तो तारीखों के ऐलान के साथ ही घुसपैठ बढ़ जाएगी, लेकिन दावा कितना सच है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। ऑपरेशन वोट बैंक जारी है। अगले पड़ाव में जो खुलासा होगा उससे ये साफ होगा कि वोट के लिए बंगाल में सियासतदान जो कुछ कर रहे हैं वो कितना खतरनाक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।